शो का मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाजिर है और आज इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की तहसील समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 478 काबे में। यहां पर रुकने कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर गुजर ने अहलियाने इलाका से जो वादा किया था वो आज वफा कर दिया है। अहलियाने इलाका को आज जो है वो सुई गैस का एक बहुत बड़ा मनसूबा जो है वो देने के लिए चौधरी शहबाज बाबर गुजर जो है वो इस गांव के अंदर पहुंचे हैं। उनका जो है वो वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कि चौधरी शहबाज बाबर गुजर के इस गांव के अंदर पहुंचते ही जो है वो घोड़ा डांस के साथ उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया है। उन पर जो है फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं और जैसे ही चौधरी शहबाज बाबर गुजर का काफिला जो है वो इस गाँव के अंदर पहुँचा है तो उनका पुतपाक इस्तकबाल किया गया है। ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। अहलियाने इलाका जो है वो इस गांव के जो वासी हैं वो आज बेहद खुश हैं कि आज उनके गांव को जो है वो सुई गैस का एक मंसूबा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि चौधरी शहबाज बाबर गुजर जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उनके इस्तकबाल के लिए ये गाँव के जो जितने भी जवान हैं वो उन पर नोट जो है वो निछावर कर रहे हैं, साथ ही साथ फूलों की पत्तियाँ निछावर की जा रही हैं। और आज चौधरी शहबाज बाबर गुजर जो हैं वो 478 गाते हैं। बिल्कुल जी, 478 गाबे के जो लोग थे उनके साथ किया गया वादा जो है वो आज रुकने कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर गुजर की जानब से जो है वो अपना किया हुआ वादा जो है वो आज वफा कर दिया गया है। गांव में पहुंचने पर चौधरी शहबाज बाबर गुजर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया है और आज चौधरी शहबाज बाबर गुजर ने इस गाँव के अंदर जो है वो सुई गैस का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है चौधरी शहबाज बाबर गुजर साहब रुकने कौमी असम्बली, उनसे जानेंगे। जी सर बताइएगा कि जैसा कि आपने इस गांव वालों से वादा किया था कि आपको सुई गैस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो आज आपने अपना किया हुआ वादा जो है वो वफा कर दिया है, क्या कहेंगे कैसा किस तरीके से इन्होंने आपको वेलकम किया और आज जो आपने इफ्तिताह किया? भाई अव्वल तो मैं तमाम मेरे गांव वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माएँ, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये गाँव मेरा अपना गाँव है, यहाँ पर दूसरी बात नहीं है। और जो प्यार, जो खलूस, जो मोहब्बत जो गांव से मुझे मिलती है मेरी बहन की और मेरी माँ की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे दोबारा एमएनए बनाया है। और इसके ऊपर मेरे यही है कि ये सारा का सारा क्रेडिट मैं अपने कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देता हूँ, मियाँ शहबाज साहब को देता हूँ। और ये एक हकीकी तौर पर देखा जाए कि ये तब्दीली की नज़र आती है जब भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुस्लिम लीग नून आई है, हमने नफरत की जगह खिदमत की है और हमने सियासत की जगह हमने खिदमत की है और हमने काम किए, हमने डेवलपमेंट की है। ये यहाँ पे गैस का मंसूबा तो मैं कहूँगा 5 साल पहले चल जाना चाहिए था। अगर उस टाइम वो साकिब निसार साहब की मैं क्या कहूँ कि अल्लाह ताला उनको पूछेगा, उन लोगों के साथ जो बुरा किया है, काम रुकवा दिए, फंड पड़ा हुआ रुकवा दिया, सब काम रुकवा दिए, ये सारे तबके काम है। अभी तक तो हर घर के अंदर गैस और मीटर लग जाने चाहिए थे। उनकी नफे की सियासत के बाद ये डिले हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह मुकम्मल होगा और यहाँ की मेरे माओ बहनों को इंशाल्लाह गैस की सहूलत मिलेगी। और इंशाल्लाह ताला ने चाहा तो मियां नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आएगी, इंशाल्लाह आगे दोबारा आएगी। और जो कोई भी गांव रह गए हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने कायदे मोहतरम सी की मिन्नत भी करूंगा, समाजत भी करूंगा, प्यार से भी कहूंगा, उनकी रिक्वेस्ट भी करूंगा, समुद्र के गांव शहर रहने ही देंगे जहाँ पे गैस ना चले। इतने देहातों की गैस जो है मंजूर हो चुकी है जिनके अंदर आप मुख्तलिफ दिनों के अंदर इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसके अलावा 78 की जब खुशहाली 478 है, उसके अलावा 465 है, 466 है, 137 है, 190 है, 390 है और छोटा बड़ा नब्बा दोनों है, और 217 है, 213 है और 399 भी है। इन सब में इंशाल्लाह काम हो रहा है, जैसे जैसे काम होता रहेगा इंशाल्लाह लोगों को सहूलत मिलती जाएगी। और इंशाल्लाह ने चाहा रब के करम से नहीं पाके सदके से मैं अपने भाई से जो वादा किया है आज मुकम्मल हुआ है, इनका कि मैं सुरख रूंगा। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू।
बिल्कुल जी, जैसा कि आपने सुना है कि इनका यही कहना था कि मुतअद्दद गांव के अंदर जो है वो गैस का मंसूबा जो है चल रहा है और मंजूर हो चुका है और आइंदा कुछ ही दिनों के अंदर वहां पर भी इफ्तिताह किए जाएंगे। आज बाकायदा तौर पर इन्होंने 478 गांव के अंदर इफ्तिताह कर दिया है। अहलियान इलाका जो थे उन्होंने वालहाना इस्तकबाल किया है, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए हैं, घोड़ा नाच करवाया गया है और ये अहलियान इलाका जो है वो अहलियान गाँव जो है वो आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी साहब।